भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? हेलो गाइस, तो गाइस कल खबर आई थी कि रजत दलाल को अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने एक लड़के को किडनैप किया था, उस लड़के के साथ में मारपीट की थी, उस लड़के से टॉयलेट साफ करवाया था और उस लड़के के ऊपर पेशाब कर दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन दोस्तों कल रात को ही इंस्टाग्राम पर रजत दलाल लाइव आए थे और वहां पर उन्होंने बताया कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं ये सारे आरोप सही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उन्होंने बाकी क्या कहा है चलिए मैं आप लोग उनकी लाइव स्ट्रीम वीडियो दिखाता हूं। तो भाई कैसे हैं सब? सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और FIR में क्या लिखा हुआ है? इतना लिखा हुआ भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं? मेरे को बेल कैसे मिलेगी? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, दो तीन उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय है, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लूं, लग गया था ना, इतना ही था। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना? मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं थी। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी, भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कराए, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। और देखने तो पॉइंटर क्या क्या थे उनके, चोट के निशान थे, वो लड़का एक महीने से मेरे बारे में उल्टा सीधा डाले जा रहा था और अपने आप को सिग्मा बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हाँ भाई मैं सिग्मा हूं। अपनी बारी में अगर कुछ चीज हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई और FIR कर भी दी, चलो सही है, बहुत अच्छी चीज है। FIR का एक भी पॉइंट, सिंगल एक भी पॉइंट उन्होंने जब भी सुनवाई हुई उस टाइम क्लियर नहीं करा, ना मारपीट का, ना लड़ाई का, ना किडनैपिंग का। मेरे पास वीडियोस हैं, व्लॉगिंग कर रहा था उस टाइम, कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठ, उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, वहां पे 8-9 लड़के और खड़े थे, उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहां उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, कहते हैं ना जिसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है क्योंकि मेरे को पता है हियरिंग के टाइम पे मेरे पास एविडेंस है। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। और ये चीज मीडिया में उछली कैसे? एक और केस चल रहा था किसी पुलिस वाले का, XYZ चीज थी, वो मैं बर्ली नहीं बोल सकता। उस चीज के लिए पुलिस वालों के वो मीडिया वाले आए हुए थे, मेरे लिए नहीं आए हुए थे, उनको उस केस से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा केस डाल दिया। और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं अक्यूज हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं। उन्होंने जो बात बोली है वो बर्बली बोली है FIR में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। उस लड़के का मेडिकल तो हुआ होगा, पूरे शरीर पे एक चोट का निशान नहीं है, सिंगल एक चोट का। मैंने अगर ब्रूटली उसको मारा है, ब्रूटली वो पिटा है, तो कहीं तो एक निशान तो होगा, सिंगल एक निशान। अगर उसकी मैंने पसलियां तोड़ी हैं तो हड्डी टूटी होगी, निशान आया होगा, ब्रूज आया होगा, कुछ तो आया होगा भाई। मैंने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई इतने गए गुजरे नहीं है। मैंने किसी को किडनैप करा, उसमें ऐसा बताया गया है, अगर मैं किसी को किडनैप करूंगा तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा? इतना चूतिया तो नहीं होगी भाई, मैंने किसी को किडनैप करा और मैं पब्लिकली लोगों को दिखा रहा हूं ये मेरे साथ। वो लड़का मैक्स टू मैक्स मेरे साथ 50 मिनट होगा। उसकी एक वीडियो जो थी ना मेरे साथ बैठे हुए की, मैंने व्हाट्सएप पे डालूंगा, उसके हाथ में फोन है, पुलिस वालों ने उसकी कॉल लॉग्स देखे होंगे, उसकी मम्मी के कॉल लॉग्स देखे होंगे, पूरे टाइम वो अपनी मम्मी के साथ कॉल पे था कि आ रहे हैं,
कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मेरे भाई इन चीजों का ना तो कोई प्रूफ है और ना मैं गिल्टी प्रूफ होने वाला, क्योंकि मैंने असल में चीजें नहीं करी है। जिनको भरोसा हो वो मान लेना, जिनको भरोसा हो ना मानना। अगर 1% भी मैं प्रूव होता हूँ ना कि मैंने ये काम करे हैं, तो सोशल मीडिया की सारी चीजों से मैं खुद गायब हो जाऊँ। जिसको भाई भरोसा हो बहुत अच्छी चीज है, ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पास्ट में बहुत सारी चीजें करी होंगी, आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें होंगी, पर इतने माड़े हम नहीं है कि किसी बच्चे को किडनैप करेंगे और उसके मुंह पे पेशाब करेंगे और उसको किडनैप करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालूंगा कि देखो चलो मेरे वो लड़का मैक्स टू मैक्स 1 घंटे मेरे साथ। एक बार हियरिंग्स होने दो, सारी वीडियोस, एक एक वीडियो कि वो लड़का, उस लड़के ने खुद हमें अपनी लोकेशन भेजी। मैं जिम में गया कि जिम के ओनर को बोला कि भाई ये लड़का आपकी जिम से ये चीजें कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, एक बारी बोला था। उन्होंने बोला पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते। मैंने उस लड़के को फोन करा इंस्टाग्राम पे, मेरे पे नंबर नहीं था। उसने हमसे नंबर लेके हमारे ही व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजी। खुद उसने हमको बुलाया, उसकी गली के कोने में मैं खड़ा था, पीछे शिवम ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। वो अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी में बैठा, अपनी खुद की मर्जी से। उसको जब उसके घर पे छोड़ के आए हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग है कि उसकी मम्मी के सामने क्या बात हो रही है। उसका रास्ते में दोस्त मिला, रास्ते में मेरे को दुकान तक पे रिकॉर्डिंग तक पूरी है, इसने साथ में थम्स अप पी। मुझे नहीं समझ में आ रहा लोगों को फेम के चक्कर में कितना कुछ करना पड़ता है, नाम उठाने के चक्कर में। मेरे को पता नहीं कब से छेड़े जा रहा है। तो भाई ना तो हम पीछे हटने वाले, ना किसी से दबने वाले, 1% नहीं दबने वाला, सिंगल 1% भी। जो भी चीज होगी लॉ के अंडर होगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। पर ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा कि मेरे हाथ से कुछ भी चीज नहीं। तो भाई ज्यादा इसके अलावा यार क्या ही चीज बोलूं ना। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब मैं उस लड़के को किडनैप करूंगा, इस चीज का तुक कहां से बनता है। और अगर किडनैप कर लिया तो मैं 50 मिनट बाद उसकी मम्मी के पास उसको लेके सॉरी क्यों बुलवा रहा हूं। तो भाई मेरे पार्ट पे बस इतनी चीजें थी। उम्मीद करता हूं इस चीज में साथ रहोगे। जो अपने हैं उनको समझ में आएगा कि भाई इतने गए गुजरे काम हम नहीं कर सकते। बाकी एक आध हियरिंग में सारी चीज क्लियर होगी। उन्हें पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने कहां पे हाथ मारा है। डिफेमेशन का मैं दिखाता हूं, उसके बाद लीगली क्या चीज होती है, ऊपर से नीचे तक क्या जाता है। तो जो भी होगी भाई चीजें लॉ के अंडर होगी। मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं डाल सकता क्योंकि वो मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ की चीजें पब्लिक नहीं करने। बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों का बर्ताव हमारे साथ ओके की रिपोर्ट था, कोई 1% प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कहीं से कहीं तक हाथ तक नहीं लगाया, कोई मान मर्यादा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी थोड़ी बहुत चीजें थी वो होती रहती है। तो मेरे पार्ट में बस इतना था, मेरे को क्लेरिफिकेशन देना था। जिन जिन ने सुना भाई बड़ी मेहरबानी। सारे भाई ख्याल रखो, तगड़े होने पे ध्यान दो। फिलहाल गाइस इस पूरे मैटर पर अब आप लोग का क्या रिएक्शन है, आप लोग रजत लाल के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।